हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का यूनिक ट्यूटोरियल सिकड़िया इस यूट्यूब चैनल में। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रमुख संख्यावाची शब्द। प्रमुख अव्यय शब्द देख चुके थे, तो जो लोग नहीं देखे हैं वो जाके देख सकते हैं। तो आइए हम लोग प्रमुख संख्यावाची शब्द देखते हैं। तो प्रमुख संख्यावाची शब्द में जानते हैं कि संख्या एक से स्टार्ट होता है। तो एक को जो संस्कृत रूप होता है एक होता है, एक कुछ होता है एक। तो एक जो है पुल्लिंग के लिए प्रयोग होता है, लेकिन अगर स्त्रीलिंग के लिए कहेगा तो यही इसका हो जाता है एक का, और नपुंसक लिंग के कहेगा तो एकम हो जाता है। तो याद रखिएगा, एक का पुल्लिंग के लिए, एक का स्त्रीलिंग के लिए, और एकम नपुंसक लिंग के लिए। उसी पर कहा है द्वि, द्वि माने होता है दो, एक भी होता है तो पुल्लिंग के लिए, और दो माने होता है स्त्रीलिंग के लिए, द्वे माने होता है नपुंसक लिंग के लिए। त्री माने तीन, यह भी त्री है जो पुल्लिंग के लिए होता है, और त्री तीसरा त्रीनी, तीसरा होता है जो स्त्रीलिंग के लिए, और त्रीनी होता है नपुंसक लिंग के लिए। इसी कारण याद रखिएगा त्री माने तीन होता है। चतुर माने चार, चतुर भी पुल्लिंग के लिए होता है, चतुर चतवारी चतस्त्र, तो चतवारी होगा स्त्रीलिंग के लिए और चतस्त्र होगा नपुंसक लिंग के लिए, और चतुर होगा पुल्लिंग के लिए। अब इस आगे इसका रूप नहीं चलता है, केवल चार तक ही चलता है। तो पांच को माने होता है पांच, षट माने होता है छ, उसी प्रकार है सप्त, सप्त माने होता है सात, यानी सब हिंदी रूप है, यानी संस्कृत रूप है। तो सप्त माने होता है सात, अष्ट माने होता है आठ, नौ माने नौ, उसी प्रकार है दस, दस माने होता है दस। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे ग्यारह, तो ग्यारह माने होता है जितना ज्यादा है वो पहले लिखेंगे। तो एक ज्यादा है तो एक लिख देंगे, एक का दस है तो दस लिख देंगे, तो एक का दस। उसी प्रकार है बारह, तो दो ज्यादा है तो दुआ अदुआ दस हो गया, तीन ज्यादा है तो त्रियोदस। उसी प्रकार देखिए चौदह, तो चौदह में चार ज्यादा है तो चार को होता है चतु, और दस तो दस वाला चले हैं तो दस, तो चतु दस। उसी प्रकार है पंद्रह, तो पांच ज्यादा है तो पांच लिख देंगे, और दस वाला चल रहा है दस के अंदर में तो पांच दस। उसी प्रकार है सोलह, तो छह ज्यादा है तो षट हो जाएगा, और दस तो दस हो गया। उसी प्रकार है सात, सत्रह, तो सात ज्यादा है तो सप्त लिख देंगे, सप्त माने सात होता है, और दस लिख देंगे तो सप्त दस। उसी प्रकार है अठारह, तो आठ ज्यादा है तो अष्ट दस, लेकिन उन्नीस का अलग होता है, तो उन्नीस का होता है उन बिसंती, चाहे इसको लिख सकते हैं नौ दस, उन बिसंती या नौ दस, तो उन बिसंती। उसी प्रकार बीस के कहेगा तो बीस का होता है बिसंती, इसका उन बिसंती या इसका होता है बिसंती। अब उसी प्रकार जैसे ये थे ग्यारह बारह तेरह में, उसी प्रकार इसी में भी होता होगा, इक्कीस है तो एक जाते हैं तो एक विसंती, बाईस है तो दो जाते हैं तो द्वि विसंती, दो का होता है द्वि तो द्वि विसंती, तेईस में तो तीन जाते हैं तो त्रि विसंती। फिर उसके बाद है तीस के देखते हैं, लिख लीजिएगा आप लोग चौबीस पच्चीस छब्बीस को इसी प्रकार जैसे लिखा हुआ है, जैसे कि दो जाते हैं दो विसंती, तीन जाते हैं तो त्रि विसंती, चौबीस रहता तो चतु विसंती, कहे कि चार इसमें ज्यादा रहता, पच्चीस रहता तो पच विसंती। उसी प्रकार आगे देखते हैं त्रिसंत, त्रिसंत माने होता है तीस, कहेगा एक तीस, जैसे उस सब के कर रहे हैं तो इसी एक जाते हैं तो एक त्रिसंत, बत्तीस यानी दो जाते हैं तो दो त्रिसंत, तैतीस रहता तो तीन जाते हैं तो त्रि त्रिसंत, चतुर तो चतुर त्रिसंत। उसी प्रकार आप लोग बना लीजिएगा चालीस तक। फिर है उसके बाद चतवारी संत, चतवारी संत माने होता है चालीस, तो इकतालीस के हम लोग देखेंगे तो एक जाते हैं तो एक चतवारी संत, यानी दस बीस तीस चालीस पचास, ये सब की याद रखना है, जितना ज्यादा है वो आगे लिखेंगे और जोड़ी चले जाएंगे, यानी इकतालीस है तो एक जाते हैं तो एक चतवारी संत, बयालीस रहेगा तो दो जाते हैं तो द्वि चतवारी संत, तैतालीस रहेगा तो त्रि चतवारी संत, यानी जितना जाते वो पहले लिखेंगे, उसके बाद जितना के अंदर में है वो जोड़ देंगे। उसी प्रकार है पचास, तो पचास को होता है सार्ध शतम या अर्ध शतम, दो दो को इसका होता है सार्ध शतम या अर्ध शतम। तो देखिए इक्यावन के तो एक ज्यादा है तो एक सार्ध शतम, बावन रहता है तो दो ज्यादा है तो द्वि सार्ध शतम, तिरपन रहता है तो तीन ज्यादा है तो त्रि सार्ध शतम, यानी एन वाला के आगे जितना ज्यादा है उसको आगे लिखेंगे। साठ को होता है षष्ठी, षष्ठी माने होता है साठ, इकसठ है तो एक ज्यादा है तो एक षष्ठी, बासठ रहता है तो दो ज्यादा रहेगा तो द्वि षष्ठी, तिरसठ रहता है तो त्रि षष्ठी, इसी प्रकार आप लोग सत्तर तक लिखिएगा। उसके बाद सत्तर गया तो सतपति, सतपति माने होता है सत्तर, कहेगा एक खतर तो एक सतपति यानी एक ज्यादा है, बहत्तर यानी दो ज्यादा है तो द्वि सतपति, कहता है तिहत्तर तो तीन ज्यादा है तो त्रि सतपति। उसी प्रकार आप लोग बनाइएगा। आगे है अस्ति, अस्ति माने होता है अस्सी, अस्ति माने क्या होता है अस्सी,
एक जाते हैं काशी के, तो काशी तो एक लाएंगे, कह रहे थे बार बार कह रहे हैं कि जितना ज्यादा रहेगा उसको आगे लाएंगे, तो एक जाते तो एक ला दिए आगे, 80 के निकट है तो 80 वाला हम यहाँ बैठा दिए, तो 1 80 बेरासी का होता है, दो ज्यादा है तो 2 80, उसी प्रकार 90, तो 90 को होता है 90, तो एक ज्यादा है निकाले में देखिए तो एक ज्यादा है तो एक आगे लिखेंगे तो 1 90, द्वि जाते हैं तो 2 90, 93 रहता है 3 90, 94 रहता है 4 90, 95 रहता है 5 90, यानी 10 20 30 यानी 90, तक 10 20 30 40 50 60 70 80 90, ये सब याद रहेगा तो सब बन जाएगा 61 62 11 12 जितना रहे। सत्तम माने होता है 100, इसमें थोड़ा नियम चेंज होता है, सत्तम माने 100 होता है, 101 उस समय ज्यादा रहता था तो अधिकम नहीं लगाते थे, लेकिन 100 के पार वाला में ज्यादा रहेगा तो अधिकम लगाएंगे, यानी कितना अधिक है तो एक लिख देंगे, अधिकम है तो अधिक है तो उसमें अधिकम जोड़ते हैं तब उसके बाद सतम जोड़ते हैं। इसमें एगो नियम है सतम वाला में कि जितना अधिक है वो पहले लिखेंगे और उसके बाद अधिकम जोड़ेंगे तब सतम जोड़ेंगे। देखिए 102 है तो 2 ज्यादा है तो 2 लिख दिए, अधिकम बोले थे कि जोड़ना है इसमें तो 2 अधिकम सतम। उसी प्रकार 110 एकरा में थोड़ा अलग चलता है, 10 अधिकम यानी 10 अधिक है, अ के लिए हम एगो पाई देते हैं, ऐजा भी लिख सकते थे 1 अधिकम इसको हटा के, तो 10 अधिकम सतम यानी 112 रहेगा तो 2 10 अधिकम सतम, कहेगा 105 तो यानी 5 अधिक है तो 5 अधिकम सतम, यानी इसमें है ना कि जो जितना ज्यादा है पहले लिख कर और उसमें अधिकम जोड़ देना। उसी प्रकार है लाख, लाख होता है लक्षम, कोई पूछेगा कि लाख का संस्कृत रूप क्या होता है तो लक्षम, और करोड़ का होता है कोटि। तो थैंक्स फॉर माय वाचिंग वीडियोस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए हम लोग देखते हैं 1 2 3 4 जो बोले थे उसका पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग से डिटेल से बताते हैं। देखिए पुल्लिंग यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ स्त्रीलिंग, यहाँ नपुंसक लिंग, एक जो है पुल्लिंग के लिए यहाँ यूज होगा, एकम यानी एक का जो है स्त्रीलिंग के लिए और एकम नपुंसक लिंग के लिए, तो आप लोग जानते होंगे पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग जिसमें जीव नहीं होता है, यानी जैसे कि बोर्ड हो गया, उसके बाद पुष्प हो गया, फल हो गया, इसमें जीव नहीं होता है। तो उसके बाद है द्वि, तो द्वि द्व द्वे, यानी द्वि है जो पुल्लिंग के लिए, द्वे है जो स्त्रीलिंग के लिए, द्वे है जो नपुंसक लिंग के लिए, त्रि माने जो है पुल्लिंग के लिए, तीसरा है जो स्त्रीलिंग के लिए, और त्रीणी नपुंसक लिंग के लिए, चतवारा जो है पुल्लिंग के लिए, चतस्त्र स्त्रीलिंग के लिए, और चतवारी नपुंसक लिंग। इस पर एग्जांपल है, जैसे कहेगा एक नदी, तो नदी क्या है स्त्रीलिंग है, देखेंगे कि एक एक के यहाँ कौची यूज होगा, तो देखिए स्त्रीलिंग के लिए है एक होता है एक का, तो इसी कारण यहाँ लिखेंगे एका नदी। कहता कि एक लड़की, तो वहाँ एक के लिए भी यहाँ एका यूज करते हैं, और लड़की को वहाँ बालिका। उसी प्रकार एक फल, तो फल जो है नपुंसक लिंग, एक के लिए एकम ना यूज करेंगे तो एकम, आ जैसे एक में जैसा लगा रहेगा, जो मतलब जो संख्या के पीछे जैसा लगे रहेगा वैसे लगाएंगे पीछे, तो एकम फलम है, तो यानी म लगा हुआ तो फल में म लगा देंगे तो एकम फलम। उसी प्रकार है दो पुष्पे, तो द्वे ये हो गया पुष्प तो है नपुंसक लिंग, तो देखिए दो होता है द्वे, तो द्वे लगा दिए, हम बोले थे कि जैसा लगा रहेगा एकरा को इसने एकरो को लगाना है, तो पुष्प ऊपर एकार दे देंगे तो कुछ हो जाएगा पुष्पे, एकरा पर कहेंगे एकार है तो द्वे पुष्पे। दो बालक, तो द्वे होता है द्व, तो हम बोले थे कि जैसा ऐजा लगा रहेगा इसने ऐजो लगाना है, तो बालक में ईसन का दुगो रेफ लगाएंगे तो कुछ हो जाएगा बालक, यानी द्व बालक। उसी प्रकार है चार छात्रा, तो चार छात्रा के कुछ हो जाएगा, चार है तो कुछ हो गया स्त्रीलिंग हो गया, तो चार छात्रा तो स्त्रीलिंग के लिए होता है चतस्त्र, यहाँ हो गया चतस्त्र, जैसे में विसर्ग है तो विसर्ग लगा देंगे चतस्त्र छात्रा। इसी प्रकार आप लोग बनाइएगा इस पर एग्जाम्पल। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।